भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। 15 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा और लोग इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे, उनका पूजन करेंगे और धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का काफी खास महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन चीजें दान करने से कई प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन कई चीजों को करने की मनाही भी होती है। मकर संक्रांति पर कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए और ऐसा करने से लोगों को नकारात्मक फल की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रदीप आचार्य बता रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन लोगों को कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य तो नाराज होते ही हैं, भगवान विष्णु की भी नाराजगी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इस दिन जानबूझकर कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। काम तो देखिए, अनिष्ट जो रहे उसको तो काम नहीं है करना चाहिए, है ना। कोई भी चीज है जो गलत रहे उसको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जैसे जो है उसमें है, शराब भी है, नशा भी है, अन्य इत्यादि, अलग रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जहां तक संभव है कि परमात्मा की कृपा से जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर करके भगवान सूर्य की जो है आराधना करनी चाहिए। सूर्य की आराधना कर करके ही स्नान कर करके पूजा पाठ कुल देवता का कर करके और फिर भोजन अपने जो है इच्छा के मुताबिक भोजन करनी चाहिए। बड़ा शांत भाव से जो है भोजन करनी चाहिए। दही चूड़ा किन्नी जो तिल रहे ये जो भी खाने का है उसको खाते रहे। और दान पुण्य में जो है वस्त्र है, तिल है, चावल है, अन्य इत्यादि जो भी दान करने का सामर्थ्य में कोई दोष नहीं है, इसलिए जो सामर्थ्य रहे वो तो जो है दान करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, जबकि भोजन में मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साथ ही किसी को भी दान देने से रोकना नहीं चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर बिना स्नान किए भोजन करना वर्जित माना गया है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के बाद कपड़ों को गंगा नदी में नहीं धोना चाहिए। इस दिन किसी तरह का नशा नहीं करना चाहिए और सबसे खास बात यह है कि मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई छटाई करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य का बुरा प्रकोप लोगों पर पड़ता है। इस दिन दान पुण्य करने से लोगों के घर में सुख शांति मिलती है। तो इस मकर संक्रांति अगर आप भी भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं तो इन चीजों को करने से बचें, ताकि भगवान सूर्य के प्रकोप का सामना आपको करना न पड़े। जमुई से लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।